हेलो दोस्तों, मैं हूं रमीज और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल रेमजी एक्सप्लोरर। तो आज हम जाने वाले हैं पुणे में, जहां की 10 खूबसूरत जगहें हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सफर। स्टेशन पे है सिंहगढ़ फोर्ट, जो कि पुणे से 49 किलोमीटर दूर है। तकरीबन 2000 साल पहले इसे बनाया गया था और इस किले को कोंडाना किला भी कहा जाता है, जिससे दो मुख्य द्वार है इसके, एक कल्याण दरवाज़ा और एक पुणे दरवाज़ा। तो आप अगर सोच रहे हो यहाँ पे विज़िट करना, तो बेस्ट मौसम रहेगा बारिश का, क्योंकि बारिश में यहाँ से जो है बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आपको देखने मिलते हैं और क्लाइमेट ठंडा होने के कारण आप पूरा जो किला है वो घूम सकते हो। और एक बात दोस्तों, यहाँ आपका जो है खाना भी बहुत फेमस है, तो यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो। प्याज के पकौड़े आप ट्राई कर सकते हो, बेसन और ज्वार की रोटी यहाँ पे मिलती है। उसके साथ साथ आप जो है दही भी ट्राई कर सकते हो मीठे के लिए, तो ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन रहता है। और एक बात दोस्तों, ऊपर जो है मीठे पानी की एक बावड़ी अवेलेबल है, तो उसका पानी जो है गांव वाले भी यूज़ करते हैं पीने के लिए। तो आप भी ये जो पानी है एक बार ट्राई कीजिएगा, काफ़ी ये ठंडा रहता है, नेचुरल पानी का सोर्स है ये और काफ़ी मज़ा आता है पीने के बाद। तो एक बार जस्ट ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। 9th पोजीशन पे है खड़कवासला डैम, जो कि मुठा रिवर के ऊपर बनाया गया है इसे, और ये 21 किलोमीटर दूर है पुणे से। छोटा सा लेक फॉर्मेशन भी हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं और इन्जॉय करते हैं। और ये मेन सोर्स है पानी का पुणे के लिए, यहाँ से पीने का पानी जो है यहीं से आता है पुणे को। डैम का पूरा एरिया सराउंडेड है NDA से, जो कि है नेशनल डिफेंस अकेडमी, ये पूरा मिलिट्री का एरिया है। यहाँ पे छोटा सा बीच भी फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पे आप आपके दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पे स्नैक्स भी मिलता है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। तो 8वें पोजीशन पे है शनवारवाड़ा, जो कि बनाया गया था 1732 में। मराठा राजाओं की तरफ से इसे बनाया गया था। मराठा साम्राज्य की ये जगह 18वीं शताब्दी में भारतीय राजनीति का केंद्र बन गया था। 1828 में किले को काफ़ी नुकसान हो गया था, जो कि एक आग लग गई थी, जिसका कारण अभी भी अस्पष्ट है। किले के मेन अट्रैक्शन है दिल्ली दरवाज़ा, यहाँ का फाउंटेन जिसे हजारी कारंजे भी कहा जाता है, झरोखास और गार्डन, जो कि अभी भी काफ़ी वेल मेंटेन किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। नेक्स्ट प्लेस है लाल महल, जो कि 7वें नंबर पर है। ये काफ़ी फेमस है पुणे सिटी के अंदर। ये वो जगह है जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना बचपन गुजारा था। लाल महल जो है 1630 में छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता ने बनवाया था, जिनका नाम था शाहजी राजे भोसले। और ऐसा कहा जाता है शनवारवाड़ा में यूज़ हुई मिट्टी और पत्थर लाल महल से ही लिए गए थे एज अ गुड लक के तौर पर। छठे नंबर पे है श्रीमत दगड़ूशेठ गणपति मंदिर, जो कि सिटी के बीचों बीच बसा है। भगवान गणेश जी को समर्पित किया गया ये मंदिर एक हिंदू मंदिर है। 130 साल पुराना ये मंदिर है, जहाँ पे रोज़ाना हजारों भक्त लोग यहाँ पे विजिट करते हैं। भगवान गणेश जी का 1 करोड़ का इंश्योरेंस इस मंदिर की तरफ से निकाला गया है, और ये मंदिर जो है पूरे इंडिया में फेमस है। तो 5th पोजीशन पे है राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क, जिसे कातरस जू भी कहा जाता है और स्नेक पार्क भी कहा जाता है। 130 एकड़ में फैला हुआ है और इसे मैनेज किया जाता है पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से। ये जू जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जहाँ पे एनिमल्स का अनाथालय एक है, एक स्नेक पार्क है और तीसरा जू है। ये जू में जो है टोटल 362 एनिमल्स आपको देखने मिलते हैं। इस जू में आप सांपों की अलग अलग प्रजातियां देख सकते हो, शेर देख सकते हो, मगरमच्छ देख सकते हो, हाथी देख सकते हो, जंगली भैंसा देख सकते हो, अलग अलग तरह के जो हैं मंकीज देख सकते हो आप यहाँ पे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो 4th पोजीशन पे है आगा खान पैलेस। इस इमारत को बनाया गया था सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान ने 1892 में
इस जगह को जो है जेल के तौर पे यूज किया गया था और जिसमें रखा गया था महात्मा गांधी जी को और उनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी जी को। और तो और इसमें गांधी जी के जो सेक्रेटरी थे महादेव जी देसाई और सरोजनी नायडू जी को भी रखा गया था। गांधी जी द्वारा यूज की गई अलग अलग चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। फोटोग्राफर्स के लिए ये बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस है क्योंकि यहाँ का जो आर्किटेक्चर है और ग्रीनरी है ये सभी फोटोग्राफर्स को यहाँ पे आकर्षित कर देती है। तीसरे नंबर पे है फिनिक्स मॉल जो कि विमान नगर में है। फिनिक्स मार्केट सिटी ये एक शॉपिंग मॉल है जिसे बनाया गया है फिनिक्स मिल्स लिमिटेड कंपनी की तरफ से। इसे खोला गया था 2011 में और ये मॉल इंडिया के सबसे बड़े मॉलों में से एक मॉल है। इसका रिटेल एरिया 19 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। दूसरे पोजीशन पे है पर्वती हिल। ये एक छोटा सा पहाड़ है जिसके ऊपर एक पर्वती टेंपल बसाया गया है। ये एक सबसे पुराना मंदिर है पुणे में और इसे बनाया गया था पेशवा राजवंश के तरफ से। ये दूसरी सबसे ऊंचाई वाली जगह है पुणे में वेताल हिल के बाद। फर्स्ट पोजीशन पे है राजा दिनकर केलकर म्यूजियम। डॉक्टर दिनकर केलकर ने इसे डेडिकेट किया था उनके बेटे की याद में जिसका नाम था राजा। ये तीन मंजिला इमारत है जहाँ पे आप 14वीं शताब्दी के अलग अलग चीजें देख सकते हो। इसमें आप सोने चांदी से बने हुए अलग अलग जेवरात देख सकते हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देख सकते हो और युद्ध में यूज होने वाले अलग अलग वेपन्स भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों थोड़ी भी वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।